आज के इस वीडियो में हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे। हम इस एक्ट के ओवरव्यू को समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो बेसिक पर्पस है और इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए। तो एक्ट का नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। जब हम हिंदू लॉज के बारे में बात करते हैं तो हमें चार एक्ट्स पढ़ना होता है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और लास्ट है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये जितने भी हमारे चार एक्ट्स हैं, अगर हम इन एक्ट्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये जो हिंदू लॉज हैं ये उन सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल है जो कि हिंदू हैं बाय बर्थ, बाय कन्वर्जन या बाय रीकन्वर्जन। और ये जो एक्ट्स हैं, हिंदू लॉज हैं, उन सभी पर्सन्स पर तो एप्लीकेबल हैं ही जो बाय रिलीजन हिंदू हैं, साथ ही उन पर्सन्स पर भी बराबर एप्लीकेबल हैं जो दूसरे रिलीजन के हैं, जैसे जो बुद्धिस्ट हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं। तो इंक्लूडिंग हिंदूज, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। राइट, देखो दो वर्ड्स हैं, एक माइनॉरिटी और दूसरा गार्जियनशिप। माइनॉरिटी मीन्स माइनर, एज ऑफ माइनॉरिटी या माइनर पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो एक पर्सन जो कि लेस देन 18 ईयर्स है उसे हम कहेंगे माइनर। तो ये जो एक्ट है वो बेसिकली एक माइनर पर्सन के प्रोटेक्शन की बात करता है, एक माइनर पर्सन के गार्जियन को डिटरमाइन करने को लेकर के है, एक माइनर पर्सन के गार्जियनशिप को निर्धारित करता है हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और वो जो माइनर पर्सन होगा ही और शी मस्ट बी अ हिंदू। तो एक पर्सन जो माइनर है, जो हिंदू है, तो वैसे केसेस में उसके गार्जियनशिप को निर्धारित करने के लिए जो पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होगा वो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। नाउ हु इज अ गार्जियन? गार्जियन मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर अनदर पर्सन हु इज माइनर एंड हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो उसकी देखभाल करने के लिए, उसके प्रॉपर्टी का देखभाल करने के लिए,
और उसका देखभाल करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है या अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर एज वेल एज हु प्रोवाइड्स पर्सनल प्रोटेक्शन टू द माइनर नोन एज गार्जियन, वो क्या है, उसका संरक्षक है, प्रोटेक्टर है, गार्जियन है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। ये जो हमारे पास आउट ऑफ फोर हिंदू लॉज जो हमारा तीसरा हिंदू लॉ है विच इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये एक्ट बेसिकली एडल्ट यानी हु इज अबव 18 इयर्स ऑफ एज और माइनर हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, इन दोनों ही पर्सन के बीच के गार्जियनशिप रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। दिस एक्ट बेसिकली डिफाइंस गार्जियनशिप रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स एंड माइनर्स। विद एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू माइनर इन बोथ फॉर्म, दैट इज इन पर्सन फिजिकल प्रोटेक्शन एज वेल एज इन हिज हर प्रॉपर्टी। तो एडल्ट और माइनर के बीच का गार्जियनशिप को लेकर के एक रिलेशनशिप जहाँ जो गार्जियन है यानी हु इज एडल्ट हु इज अबव 18 इयर्स ऑफ एज, वो माइनर को क्या करेगा, पर्सनल प्रोटेक्शन देगा और साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज इन द आई ऑफ लॉ दैट माइनर इज अनएबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एज वेल एज हिज प्रॉपर्टी, राइट। अगर हम इस एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो इस एक्ट में कोई पार्ट नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। ये एक्ट अपने आप में टोटल 13 सेक्शंस को इंक्लूड करता है, ओनली 13 सेक्शंस। इस एक्ट का जो इनैक्टमेंट डेट है वो है 25 मई 1956 और ये 1956 का एक्ट नंबर 32 है। तो आई होप कि जो बेसिक पर्पस है इस एक्ट को लाने के पीछे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जितने सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को हम एक बार देख लेते हैं और आप इन सेक्शंस को अपने फर्स्ट पेज पे लिख लेना, राइट। तो सबसे पहला सेक्शन है विच इज सेक्शन 1, वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट इस एक्ट के टाइटल से, राइट। दूसरा, एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इस एक्ट के आने से पहले हमारे पास जो गार्जियनशिप को लेकर के एक्ट था वो था गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, जो कि एक यूनिफॉर्म एक्ट था और सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल था बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन। तो ये जो एक्ट लाया गया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 को, ये बेसिकली गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के एडिशन में लाया गया, उसके सप्लीमेंट में लाया गया और इन केस देर इज रिपग्नेंसी बिटवीन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, तो इस एक्ट के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे ना कि गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे, ठीक है।
तो सेक्शन 2 एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। सेक्शन 3 कहता है एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। सेक्शन 4 डेफिनेशन सेक्शन। सेक्शन 5 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। सेक्शन 6 कहता है नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अ हिंदू माइनर। तो सेक्शन 6 नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर से डील करता है। एक हिंदू माइनर का नेचुरल गार्जियन कौन होगा। 7 कहता है नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एडॉप्टेड सन। अगर कोई एडॉप्टेड सन है तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा। 8 कहता है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन का क्या पावर्स हैं। 9 कहता है टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स। ऐसे गार्जियंस जो बाय विल डिसाइड किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, तो उनका क्या क्या पावर्स हैं। राइट। 10वां कहता है इनकैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। जो माइनर है वो किसी प्रॉपर्टी के गार्जियन के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज ही इज अनएबल, या वो जो है कैपेबल नहीं है किसी प्रॉपर्टी के गार्जियन के तौर पे एक्ट करने के लिए। तो इनकैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 11 डील्स विद डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। डी फैक्टो गार्जियन माइनर के प्रॉपर्टी से डील नहीं करेगा। और सेक्शन 12 कहता है गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो अगर कोई को पार्शनरी प्रॉपर्टी है और उस अनडिवाइडेड को पार्शनरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में माइनर का इंटरेस्ट है, तो उसके प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में किसी गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यानी अगर पार्टीशन नहीं हुआ है और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और माइनर का इंटरेस्ट है, तो वहां पे गार्जियन अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। और सेक्शन 13 कहता है वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। जो भी काम किया जाएगा गार्जियन के द्वारा बेसिकली माइनर के वेलफेयर को ही देखते हुए किया जाएगा। तो हियर वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो दीज आर 13 सेक्शंस जिन्हें हमें इस एक्ट में पढ़ना है, और इन 13 सेक्शंस को हम एक ही वीडियो में, एक वन शॉट वीडियो में कवर कर लेंगे। राइट। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको इस एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक ओवरव्यू को समझाने की कोशिश करी। आइए एक बार फिर से हम इन 13 सेक्शंस को रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सेक्शन 2 एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890। सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। 4 डेफिनेशन सेक्शन। सेक्शन 5
overriding effect of this act. Section 6, natural guardian of a Hindu minor. 7, natural guardian of adopted son. 8, powers of natural guardian. 9, testamentary guardians and their powers. 10, incapacity of a minor to act as guardian of property. 11, de facto guardian not to deal with minor's property. 12, guardians not to be appointed for minor's undivided interest in joint family property. Or last section, section 13, welfare of minor to be paramount consideration. So these are 13 sections. और ये था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ओवरव्यू. इसी तरह से हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के भी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ओवरव्यू को और सभी सेक्शंस को कवर किया है. तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो. तो आई होप ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.